कोई भी आम सहमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं होता। कानून बनाने के पहले कानून बनाने वाले आपस में विमर्श करते हैं, क्योंकि मिलके ही तो उसे करना है। लोकतंत्र में सदन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, असेंबली करेगा, यदि उनके विचार विमर्श से थोड़े कानून बन जाएगा, विमर्श होगा। देश के लिए आवश्यक कानून है, सब उस पर राजी होंगे। बिहार में कॉमन सिविल कोड को लेकर अब एक बार फिर से भाजपा ने साफ कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड अगर देश में लागू होगा तो बिहार में हर हाल में लागू होगा। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कॉमन सिविल कोड को लेकर जदयू और भाजपा के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अब इसी बीच एक बार फिर से बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है और कहा है कि आम सहमति से कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाएगा। अगर देश में लागू होगा तो बिहार में लागू होगा ही। यानी उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर जोर देते हुए कहा है कि बिहार में हर हाल में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। भाजपा के मंत्री का यह बड़ा बयान तब आया है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के अफवाहें उड़ रही हैं, अटकलबाजियां चल रही हैं कि मुख्यमंत्री पाला बदलेंगे। ऐसे में कॉमन सिविल कोड पर सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी थी। उनका साफ तौर पर मानना था कि इस तरह के कानून को बिहार में लाया जाना कतई सही नहीं है, बिहार में इस मसले पर बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है कि कॉमन सिविल कोड हर हाल में लागू होगा, नीतीश कुमार से इस मसले पर बातचीत किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहले ही इशारा आ गया है कि कॉमन सिविल कोड पर कोई बातचीत करने के मूड में जदयू नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री हो या अन्य लोग हों, सभी लोग एक सिरे से कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वही भाजपा के तमाम मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश में अगर लागू हुआ तो बिहार में अवश्य लागू होगा। सुने बिहार सरकार के कृषि मंत्री का यह बयान। कॉमन सिविल कोड बिहार में क्या लागू होगा? कॉमन सिविल कोड देश में लागू होगा तो बिहार में लागू होगा। देखिए, कोई भी आम सहमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं होता। कानून बनाने के पहले कानून बनाने वाले आपस में विमर्श करते हैं, उस पर आम सहमति बनती है तभी उस प्रारूप की स्वीकृति मिलती है, क्योंकि मिलके ही तो उसे करना है। लोकतंत्र में सदन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, असेंबली करेगा, तो इसकी चिंता में क्यों लोग पड़े हैं, चिंता में सूखे जा रहे हैं? जेडीयू कह रही है जब तक सीएम नीतीश रहेंगे तब तक ठीक है, आम सहमति बनेगी, बिना जेडीयू के विचार विमर्श के थोड़े कानून बन जाएगा, विमर्श होगा। देश के लिए आवश्यक कानून है, सब उस पर राजी होंगे। देश हित के खिलाफ कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब ये विचार बनेगा कि नहीं देश हित में आवश्यक है तो कानून बनेगा, सबकी सहमति भी होगी। सब तो हो ही रहा, धीरे धीरे ना देख रहे हैं ना, राम मंदिर बना ना, 370 गया ना, तीन तलाक गया ना, तो ये सब हुआ ना। आगे भी जो आवश्यक कानून है देश हित में वो बनेंगे और सबकी उस पर सहमति बनेगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।